और सबक मैंने बैठा दिया यहाँ पे। अच्छा, बाहर का बैठने का मन कर रहा था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको यहाँ बैठा दिया। थोड़ा बाहर बैठी थोड़ा इसका मन अच्छा होगा, बाहर की चीजें देखी, क्योंकि इतने दिन से घुसे घुसे लेटे लेटे परेशान। हमने हमारे घर पे जो खाना बनाने के लिए ना एक रख लिया है जो हाउस हेल्प होते, तो उन्होंने दिन में बनाया था, आज फर्स्ट टाइम था, तो उनको भी बताना पड़ता है कैसे बनाना है क्या है। और शाम को हम लोगों ने सिर्फ उनसे चावल मतलब पुलाव बनाया था, फिर अब सडनली सनी का मन कर रहा है कि मैं मटर पनीर भी बनाऊंगा। काफी टाइम के बाद बना रहा हूँ, सऊदी में बनाया था लास्ट, अब बना रहा हूँ, देखते अब कैसा बनेगा। सारा हेल्प कर रही है सनी, हम लेट के एटलीस्ट प्याज तो काट ही सकते हैं, कोई जरूरत नहीं काटने की, आराम से लेट ही हो जाता है, जरूरत नहीं है। प्याज कट चुकी है और अब कट रहे टमाटर, थोड़ा सा डाल इसमें जीरा, क्यों रो रही है तू, तो लगवाना पड़ेगा ना, उस दिन लगा था ना इंजेक्शन, तो टेंशन नहीं ना, कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा बस, नहीं कुछ नहीं लगेगा, हिम्मत करो, लग गया। रो क्यों रही थी बताओ? अब खा के देखेंगे कैसे लग रहा, देखने में नहीं लग रहा मुझे कैसा होता है, लेकिन थोड़ा और बड़ा होता है, छोड़ा मोटा मोटा सा, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होता है, उसमें और कारीगरी होगी। अच्छा, ऐसे बताओ ना कि अभी बस खाली ये बिल्डिंग बनी है, उसे प्लास्टर होना बाकी है, ऐसे बताओ। बंदर बंदर चला गया, दो बैठे थे, ये बैठा है, कहाँ बैठे, ये 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 अल्लाह चालू, वो कहा था तो पत्थर में नहीं छोड़ूंगी, तू भी लेके आ गए यहां, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, कहां से यहां आ गए क्या, वो भी कैसे बंदर, वो तुम्हारे कुछ कनेक्शन नहीं, जब सारे ने बोला मुझे लगा सारा प्रैंक कर रहे, लेकिन सारा ऐसा कर नहीं सकते, नहीं मैं वही तो शालू भी, हम सुनो करेंगे, दोनों बालकनी बंद रख, मेरे दिल की धड़कन ऐसी हो गई, एकदम उठ के भाग भी गई, अंदर तुम्हारे पीछे छोड़ नहीं रहे, तो मुंबई में कहां आ सकते, घर के अंदर सारा थे, घर से एक हफ्ते पर दूसरा उसके साथ आ गया था, वो तो सारा ने पहले देखा और सारा ने बोला बंद है, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, वो कह रहा था कि उसको बुला दो, सबा को कहा है, बहुत देर से मिली नहीं है, कैसे आए होंगे, कैसे आए होंगे सारा, तुम्हें देखने आए, तुम्हें सारा सबा ठीक ठाक है, तबीयत पूछने आया, मुझे हंसा दिया देखकर, सारा थैंक यू, इतना सारा हम सबको प्यार देने के लिए, और सबसे ज़्यादा हम सबको दुआ में याद रखने के लिए। अब मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, बस बार बार कहूँगी दुआ में याद रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे मैं और ये बस दो लोग बचे हैं, पूरा घर खाली है, और अब हम भी जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि बहुत थकी थकी लग रही है, कुछ बिना किए नहीं करने से, कभी इंसान की तबीयत ऐसी खराब है तो उसमें क्या करेगा बेचारे, दिन भर लेट लेट इंसान थक जाता है, दिन भर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी फ्रेंड्स, एक जगह अच्छी होती है, सोचते दिन भर बहुत सुकून रहता है, अच्छा फील होता है, लगता है कि चलो थोड़ी देर बैठ जाओ बाहर, सबसे मिल लो, फिर किसी दिन कभी ऊपर नीचे हो जाती तो उस दिन थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, और जिस दिन अच्छी नहीं होती तो उस दिन मेरी भी अच्छी नहीं होती, फिर तो सभी को झेलना पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल सुबह।